गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम समझेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमें ऑप्शंस दिए हैं और उसे चूज़ करना है। व्हेन 34 इज़ डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर इज़, अगर हम जब 34 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है। तो हम 2 से 34 को डिवाइड करके देखेंगे। 2 वन ज़ा 2, 3 में से 2 को कट करेंगे 1, नेक्स्ट नंबर 4 कॉपी राइट करेंगे, हो गया 14, 2 सेवन ज़ा 14, रिमाइंडर कितना 0। तो हमें जब हम 34 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है 0, तो हम 0 पे टिक लगाएंगे और यहाँ 0 लिखेंगे। बी है, व्हेन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 10 देन क्वेश्चन इज़, जब हम 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमने चैप्टर 1 में जो है स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर पढ़े थे। तो 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 100 को जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 में 10 है, यानी वंस के प्लेस पे जो चीज़ होगी वो हमारी रिमाइंडर होगी और जो नेक्स्ट जो बाकी की डिजिट्स बचेंगी वो हमारी क्वेश्चन होंगी, यानी कि 10। तो 10 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, हम 10 पे टिक लगा देंगे कि 10 इज़ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी है इसका, 678 को डिवाइड करना है 678। तो ये प्रॉपर्टी है डिवीज़न की कि अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन हमेशा 1 मिलता है। तो यहाँ पर हम फिर 1 पे टिक लगा देंगे। डी पार्ट है, 57,933 को 9 से डिवाइड करने पे हमें आंसर क्या मिलेगा। तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 9 के टेबल में 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 जो है वो स्मॉलेस्ट है 9 से, तो हम 2 डिजिट कंसीडर करेंगे 57। तो 9 6 54 कट करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 3 आएगा। 9 कॉपी राइट करेंगे, 39 हो जाएगा। 9 4 ज़ा 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा। कॉपी राइट नेक्स्ट नंबर 3 करेंगे, 33 हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27 माइनस करेंगे, 6 बचेगा। अब हम 3 को फिर से कॉपी राइट, नेक्स्ट डिजिट 3 को कॉपी राइट करेंगे, 63। 9 7 ज़ा 63, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि 57,933 को 9 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा 6,437। ई पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ अ 2 नंबर इज 80 इफ 1 नंबर इज 10 देन सेकंड नंबर वुड बी। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 80 है तो हमें ये बताना है कि अगर हम उसमें से एक नंबर 10 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 80 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 8, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आएगा और क्वेश्चन 8 आएगा, तो 8 आंसर आएगा। तो 8 जो है वो हमारा सेकंड नंबर होगा जो कि क्या नाम है डिवाइड करने पर हमें मिला। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग, 15 को 15 से डिवाइड करते हैं यानी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा हमें क्या मिलता है 1। 0 से किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा मिलता है 0। 15 को 1 से डिवाइड करने पे क्या होता है, आंसर हमेशा हमें इटसेल्फ मिलता है यानी कि 15। 15 3 ज़ा 45, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 दैट मीन्स 3।
1500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, और क्वेश्चन क्या होगा 150, यानी कि आंसर मिलेगा 150। इसी तरह से 1500 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा, यानी कि 1560। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं डिवीज़न की, वो प्रॉपर्टी से को रिमाइंडर रख के, हमें याद रख के रिमेंबर करके इस मैचिंग को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, 62 पेंसिल्स शेयर बाय 6 चिल्ड्रन, हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट ओवर। 62 पेंसिल्स जो हैं वो 6 बच्चे जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो और साथ में हमें ये बताना है कि जब वो सब लोग इक्वल यूज़ कर रहे हैं तो कितनी पेंसिल्स जो हैं वो लेफ्ट रह जाएंगी, बच जाएंगी। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ पेंसिल्स शेयर्ड बाय 6 चिल्ड्रन 62, फिर नंबर ऑफ अ पेंसिल्स शेयर बाय 1 चाइल्ड क्या होगा 62 डिवाइडेड बाय 6। अब हम 6s को डिवाइड करके देखेंगे, 6 1s are 6, कॉपीराइट करेंगे 2, 6 0s are 0, 2, यानी कि हर एक बच्चा कितनी पेंसिल शेयर करेगा, 10 पेंसिल शेयर करेगा, और 2 पेंसिल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी रिमाइंडर बच जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पेंसिल्स आर लेफ्ट। लास्ट वन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर इज 891, इफ़ वन नंबर ऑफ देम इज 9, फाइंड द अदर। अभी हमने मल्टीपल चॉइस का भी लास्ट क्वेश्चन में इसी तरह सा क्वेश्चन किया है, तो वही सेम है, प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर हमें गिवेन है 891, वन नंबर हमारा 9 है, अदर नंबर हमें फाइंड करना है, तो अदर नंबर क्या होगा 891 को डिवाइड कर देंगे 9 से, 9 9 ज़ा 81, 8 सब्ट्रैक्ट करने पर 8 बचेगा, नेक्स्ट नंबर 1 हम कॉपीराइट करेंगे, हो गया 81, फिर 9 9 ज़ा 81, रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, तो अदर नंबर हमारा क्या होगा 99। आंसर लिखेंगे अदर नंबर इज 99। ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, इसको अच्छे से समझ के करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।